बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई नो कि एक अनअनाउंस सेशन है, बट आई जस्ट वांटेड टू से फ्यू थिंग्स विद ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि इस साल का इख्तिताम हो चुका है और नए साल का आगाज हो चुका है। हम एक नए साल में एंटर हो चुके हैं और बेसिकली ये वेस्टर्न कैलेंडर का नया साल है। सो दिन अल्लाह ताला के हैं, साल अल्लाह ताला के हैं। सो वी हैव एन इस्लामिक कैलेंडर एज वेल एंड दिस इज द वेस्टर्न कैलेंडर। बट एनी हाउ, जिस तरह से हम लाइफ गुजार रहे हैं उसके हवाले से एक साल मुकम्मल हो चुका है हमारा वेस्टर्न कैलेंडर के हवाले से। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू से फ्यू थिंग्स टू यू। पहली बात के मैं चाहता हूँ कि हम नए साल का आगाज बहुत उम्मीदों के साथ करें, एक नए स्टाइल में करें, एक नया आगाज लें और जो भी कमियाँ कोताहियाँ इस साल में हमसे हुई और जो भी कमियाँ रह गई उनको हम भूल जाएं और प्रोएक्टिव होके, प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ नए साल का जो है वो हम आगाज करें। प्रोएक्टिव अप्रोच, प्रोएक्टिव अप्रोच यही है कि नए साल के आगाज से पहले, वैसे तो अब नया साल आगाज उसका हो चुका है, बट व्हाट आई वांट टू से इसके उसके आगाज में और बिफोर यू नो वी प्लान मैनी अदर थिंग्स, लेट अस रिवाइज, लेट अस सी व्हाट वी एक्चुअली डिड इन 2019। उस हवाले से अगर मैं आपको अपना बताऊं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अपनी बिगेस्ट अचीवमेंट की। 2019 की अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो बिगेस्ट अचीवमेंट थी, जो मैं समझता हूं, जो पर्सनली मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, दैट वाज गोइंग थ्रू डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सूरह अल बकरा एंड सूरह आले इमरान। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये दो सूराज इनकी क्या इम्पोर्टेंस है और कितना ज्यादा ये कीमती सूराज हैं, ट्रेजर हैं, अल्लाह ताला के अर्श के खजानों में से है सूरह अल बकरा, सूरह आले इमरान। एंड आई कांट टेल यू के ये सूराज आपकी आंखों से कौन कौन से पर्दे हटाएंगे और इन सूराज ने कितनी मेरी हेल्प की है दुनिया की हकीकत को समझने में और अल्लाह ताला के हम बंदे हैं ये कॉन्सेप्ट समझने में और बंदगी में क्या लुत्फ है ये कॉन्सेप्ट समझने में और बंदगी से ही फ्रीडम मिलेगा ये कॉन्सेप्ट समझने में। इसके अलावा अल्लाह सुभाना व ताला हमसे चाहते क्या है, अल्लाह ताला ने हमें यहाँ भेजा है, वो हमारे क्रिएटर हैं, हम उनके बंदे हैं और यही फ्रीडम है। और अब अल्लाह सुभाना व ताला हमसे क्या चाहते हैं, ये सब सूरह अल बकरा और सूरह आले इमरान को जब आप पढ़ेंगे समझेंगे, यू विल सी कि अल्लाह ने उसमें पुरानी कौमों का जिक्र किया, खसूसन बनी इसराइल का। अल्लाह ताला ने उनकी खसलतें बताई, उनसे जो मिस्टेक्स हुई वो बताई, कौन कौन सी मिस्टेक्स हुई बनी इसराइल से। बनी इसराइल ने अपने दीन की कदर नहीं की, उन्होंने अपने प्रॉफिट्स की कदर नहीं की, उन्होंने अपने दीन को कमतर समझा और दूसरों के जब तौर तरीकों पे नजर दौड़ाई तो उनसे इंप्रेस होके मूसा ने इस्लाम को कहा कि हमें भी कोई इसी तरह का दीन बना दे, कोई आइडल बना दे। इसके अलावा उन्होंने डिसिप्लिन कायम नहीं किया, यानी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, जो इंस्ट्रक्शंस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी वो इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने फॉलो नहीं किया। सो दीज सूरज हैव सो मच, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये आपकी आंखों के सामने से कौन कौन से पर्दे रिमूव करेंगे। आई कांट टेल यू, स्पेशली आज के फितने के दौर में जब दज्जालियत का फितना हम पे हावी है, हर तरफ डिप्रेशन है, हर तरफ जो है वो गहमा गहमी है, हर तरफ जो है परेशानियां छाई हुई हैं, तो आई थिंक कि अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का एहसान है, ये अल्लाह की प्लानिंग है। और देखें कितनी अजीब बात है और कितनी सुनने में अच्छी बात भी लगती है कि लोहे महफूज में आज से कायनात बनने से 50,000 साल पहले लोहे महफूज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2019 का जो मेरा साल था उसमें ये लिखा हुआ था कि सूरह अल बकरा और सूरह आले इमरान ये पढ़ेंगे। तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करता हूँ, मैं अपने रब का बहुत शुक्र गुजार हूँ कि ये मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट है कि सूरह अल बकरा और सूरह आले इमरान को डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना और उससे मेरे बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। मेरे सामने जो पर्दे, जाहिर हर इंसान के सामने कुछ चीज़ें होती हैं और उनको हटना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि नए साल के आगाज में ये दो सूरज को अपना टारगेट बनाए, डीप अंडरस्टैंडिंग, सूरह अल बकरा, सूरह आले इमरान। और मैं कोशिश करूंगा कि जो चीजें इन सूरज से मुझे समझ आई हैं वो भी आप सबके साथ शेयर करूं।
इसके अलावा मेरी अचीवमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह दावा के हवाले से आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड. अल्लाह ताला काम ले रहे हैं, अल्लाह ताला जो है वो हमसे कबूल करें, असल बात कबूलियत है. एंटीडोट एक वर्कशॉप थी, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह. उसका बड़ा अच्छा फीडबैक भी आया आप लोगों से और उसकी मैंने पूरी सीरीज भी यूट्यूब पे बनाई. आई होप कि फितने के दौर में इंशाल्लाह देर आर सम प्रैक्टिकल टिप्स, इंशाल्लाह आपको काफी हेल्प आउट करेगी. सो टू कट इट शॉर्ट, मैं अपनी अचीवमेंट्स क्या बताऊं, आप लोग जो है वो इसी तरह अपनी अचीवमेंट्स का जायजा लीजिए. सिर्फ मैंने दो एग्जांपल्स आपको इसलिए दी हैं कि आपको अपनी अचीवमेंट्स का जायजा लेना बहुत जरूरी है, सो दैट यू गेन सम कॉन्फिडेंस, सो दैट यू सी कि यस यार 2019 में मैंने कुछ किया है अल्हम्दुलिल्लाह. अभी 2020 आ रहा है, उसके क्या गोल्स होने चाहिए, गोल्स किस तरह के होने चाहिए, आई विल इंशाल्लाह लाइक टू टॉक अबाउट दैट. सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जो भी कमियां कोताहियां हुई 2019 में, लेट्स स्टार्ट दिस न्यू ईयर विद लॉट्स ऑफ होप्स एंड लेट्स स्टार्ट दिस ईयर बाय होपिंग दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज गोइंग टू फॉरगिव अस. अल्लाह सुब्हानहू व तआला द मोस्ट मर्सीफुल लॉर्ड, ही इज गोइंग टू एक्सेप्ट आवर रिपेंटेंस. सो लेट्स स्टार्ट दिस ईयर by repenting to Almighty Allah. How can we repent to Almighty Allah? By stating to Almighty Allah that we are loyal to Almighty Allah. That's the first thing. Yakeen karein, Allah ke saath loyal ho jayein, Allah ke saath wafadar ho jayein, tamam log aapke saath wafadar ho jayenge. Aapki robdar personality ho jayegi. Jis shakhs mein taqwa hota hai, jo shakhs Allah se wafadar hota hai, uski personality mein ek rob aa jata hai. और लोग उसके ताबे हो जाते हैं. मैं आपको अहदीस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं और मैंने खुद कई ऐसे लोग देखे हैं जिनका अल्लाह के साथ ताल्लुक इतना मजबूत है, वो अल्लाह के वफादार हैं. दे थिंक 1000 times बिफोर यू नो बीइंग डिसलॉयल टू ऑलमाइटी अल्लाह. हाउ आर वी डिसलॉयल टू ऑलमाइटी अल्लाह? बाय ओबेइंग द शैतान. सीधी सी बात है, बाय गिविंग आवरसेल्फ्स टू डिजायर्स, बाय स्कम्बिंग इन फेस ऑफ डिफिकल्टीज एंड कंप्लेनिंग टू ऑलमाइटी अल्लाह वगैरह वगैरह. इंसान है, गलतियां हो जाती हैं. But do not despair of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Trust me, Allah loves all of you. Allah ta'ala hamein, mujhe ye session karne ki taufeeq de rahe hain, aapko sunne ki taufeeq de rahe hain. Aur bhi bahut si taufeeq hai hamare liye, aapke liye, sabke liye. This is a sign that Allah loves us. Allah wants us to come to Him. That is the path of justice, the path of truth, sirat-e-mustaqeem ki taraf. Allah bula rahe hain din raat. So, Please never despair of the mercy of Allah. You have to understand के गुनाह इंसान से होते हैं, कमियां कुताहियां हर एक में होती हैं. आप एक हदीस सुन के हैरान हो जाएंगे. एक हदीस में आता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि अगर इतने आदम गुनाह नहीं करेंगे तो मैं उनकी जगह कोई और क्रिएशन लेकर आऊंगा जो गुनाह करेंगे और फिर मुझसे तौबा करेंगे. सो दिस इज समथिंग स्ट्रेंज टू हियर कि अल्लाह ताला को पसंद है कि आप देखें इंसान है तो गुनाहगार. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एवरी सन ऑफ एडम कमिट सिन बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट. इसका मतलब है कि गुनाह सबसे होंगे और कुछ लोग बहुत बड़े गुनाहों में मुलव्वस है, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए. हमने शैतान की मदद नहीं करनी उनके खिलाफ. हमारे मुल्क में क्या हो रहा है इस वक्त? डिसयूनिटी है. आप देखें लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट कितने पोलराइज्ड है हमारी कंट्री में. लिबरल्स और दूसरी तरफ जो हमारे रिलीजियस लोग हैं उनमें कितना गैप है, कितना ट्रस्ट डेफिसिट है और एक दूसरे के खिलाफ शैतान की हेल्प कर रहे हैं. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि डू नॉट हेल्प शैतान अगेंस्ट योर ब्रदर. हाउ डू यू हेल्प शैतान अगेंस्ट योर ब्रदर? बाय डिफेमिंग योर ब्रदर, यू नो, बाय फाइंडिंग फॉल्ट्स विद योर ब्रदर, बाय हेटिंग योर ब्रदर. हमें क्या है, हमें ऐब ढूंढने की आदत है, हमें नफरत करने की आदत है, हमें स्कैंडल्स बनाने की आदत है. बहसीयत कौम हम इस डगर पे जा रहे हैं और हमें टाइम वेस्टेज भी बहुत ज्यादा है. तो प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि गुनाह डेफिनेटली सबसे होते हैं लेकिन द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट. तो हमने शैतान की मदद नहीं करनी है अपने भाई के खिलाफ, हमने अपने भाइयों के ऐब छुपाने हैं. ऐब छुपाने से मतलब है आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपसे मुंसलिक जो लोग हैं, उनको दावत दें, उनको अच्छी बात बताएं, अच्छे कामों की तरगीब दें लेकिन उनको जज ना करें और उनमें ऐब ही ना ढूंढते रहें. सो दैट्स द फर्स्ट गोल वी नीड टू हैव, दैट इज टू बी लॉयल टू ऑलमाइटी अल्लाह. हाउ कैन वी बी लॉयल टू ऑलमाइटी अल्लाह? बाय रिपेंटिंग टू ऑलमाइटी अल्लाह.
by saying to Almighty Allah that we are loyal to you and we vow to obey you, we vow to worship you, we vow that we submit to you. Hum sar jhukayenge Allah aapke aage, hum aapka kehna manenge, hum aapki baat manenge. Aur jab gunah ho jaye to mayusi nahi honi. Jo marzi ho gaya 2019 mein, dekhen bahut kuch hua hoga, theek hai, insaan hai, aapse hua hoga. तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो. मैंने आपको हदीस सुनाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्वाल सुनाया, हदीस सुनाई. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कहा कि एवरी सन ऑफ एडम कमिट्स सिन, बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट. और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ओ सन ऑफ एडम, इफ यू विल कम विद अ विद अ विद सिंस इक्वल टू माउंटेन्स एंड और विद सिंस, कि उनकी हाइट इतनी होगी कि जमीन से लेके आसमान तक भी अगर तेरे गुनाह भरे होंगे और तू मुझसे सच्ची तौबा करेगा तो मैं तुझे माफ करूंगा. और फिर कितनी खूबसूरत बात है सूरह आले इमरान की, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मोमिनीन वो है कि जब वो कोई गुनाह करते हैं, वो कोताही करते हैं, वो अल्लाह को याद करते हैं. दैट्स द फॉर्मूला, दैट्स द सीक्रेट इंग्रीडियंट. अल्लाह को याद करें, कोई गुनाह हो जाए उसी वक्त अल्लाह को याद करें, अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह गुनाह हो गया, ए अल्लाह तौबा करता हूँ, ए अल्लाह मेरी पकड़ ना करना, ए अल्लाह मैं जालिमों में से ना हो जाऊं, ए अल्लाह मुझे हिदायत याफ्ता रख. तो इस साल की एक दुआ भी मैं आपको बताता हूँ, 2020 में ये दुआ रेगुलर कर लें और इसको अपनी नमाज का हिस्सा भी बनाएं और इसको अक्सर ऐसे औकात पे पढ़ें जब दुआ की कबूलियत के औकात है. वो दुआ क्या है? रब्बाना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब. सूरह आले इमरान वर्स नंबर 8, रेफरेंस मैंने दे दिया. इसका तर्जमा अंडरस्टैंड करें, इस दुआ को 2020 का गोल बना लेंगे, दुआ मैंने करनी ही करनी. दूसरी दुआ असहाबे कहफ की दुआ, रब्बाना आतीना मिन लदुनका रहमतौ व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा. दिस इज टू सेट योर अफेयर्स स्ट्रेट, के आपके अफेयर्स आपके हाथ से निकल चुके हैं, आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे. अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाह ताला मेरे अफेयर्स को राइट डायरेक्शन में कर दें अपनी रहमत के बलबूते पे. ये दो दुआज आपकी जो है मस्ट होनी चाहिए 2020 में. तो पहली चीज आपको समझ आ गई कि अल्लाह से रिपेंट करना है, अल्लाह से मायूस नहीं होना है, इन अहदीस को याद रखना है कि अल्लाह ताला को तौबा करने वाला शख्स पसंद है. अल्लाह ताला चाहते हैं इंसान उनसे तौबा करे और बार बार करे. एक गुनाह हुआ तौबा करे, फिर गुनाह हुआ तौबा करे. तो मायूसी छोड़ दें, 2019 हैज पास, 2020 स्टार्ट होने वाला है. अजम के साथ अपनी इंप्रूवमेंट के लिए, अपनी सोल की इंप्रूवमेंट के लिए, स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट के लिए काम करें. ओके, दैट्स द फर्स्ट गोल. द सेकंड गोल आई थिंक विच यू शुड बी हैविंग इज बेसिकली टू वर्क ऑन योर माइंड, बिकॉज माइंड बॉडी सोल की मैं बात करने वाला हूं. माइंड के हवाले से मेरी आपको एडवाइस है, सिंसियर एडवाइस है, अपना स्क्रीन टाइम डिक्रीज करें. व्हाट इज स्क्रीन टाइम? जैसे कि आईफोन पे एक ऑप्शन होती है स्क्रीन टाइम की, इफ योर स्क्रीन टाइम इज मोर देन 3 to 4 hours ऑन एन आईफोन और एनी फोन, इट मींस कि थोड़ा ज्यादा है. 6 hours इज टू मच, 7 to 8 hours इज एक्सट्रीम. स्क्रीन टाइम क्यों डिक्रीज करना है आपने? बिकॉज यू नो स्क्रीन के साथ बंदा जितना अटैच्ड होगा उतना स्ट्रेस होगा. ट्रस्ट मी, मैंने इस पे बहुत रिसर्चेस कंडक्ट की हैं. आई नो व्हाट हैपेंस एट सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यू नो देन देयर आर सो मेनी फितनास इन्वॉल्व. तो ट्राई योर बेस्ट प्लीज के इस साल स्क्रीन टाइम कम करें. एंड आई हैव मेंशन द रीजनिंग टू डिक्रीज स्क्रीन टाइम, आई हैव मेंशन इन माय सीरीज एंटीडोट में, आपको पता है, आप वो एपिसोड्स देख सकते हैं. इन शॉर्ट स्क्रीन टाइम डिक्रीज होना चाहिए, बिकॉज यू सी फेसबुक पे कंपेरिजन चल रहे हैं, हसद हो रहा है, हसरत बढ़ रही है हमारी, हमारे पास ये नहीं है, उसके पास वो है, एंड वी आर वेस्टिंग सो मच टाइम. देन व्हाट्सएप के अलग फितने हैं, चैटिंग वगैरह वगैरह, यू नो दीज थिंग्स. सो दैट्स द सेकेंड गोल, कि स्क्रीन टाइम को डिक्रीज किया जाए. कैसे डिक्रीज किया जाए? उसके लिए डेफिनेटली आपको खास टाइम रखने होंगे स्क्रीन टाइम यूज करने के लिए. And definitely you have to make be sure कि रात सोने से पहले please try your best कि सेल फोन को साइड पे कर दे. आप ठंड में पड़ जाएंगे, थोड़ा सा सॉलिट्यूड में आए, कोशिश करें बात सोचने की, अपने टास्क को जॉल डाउन करने की, रात सोने से पहले अपने टास्क के बारे में सोचने की और नेक्स्ट डे के टास्क के बारे में सोचने की.
सेल फोन को साइड पे रख के, ये हमारा दूसरा गोल होना चाहिए, प्रैक्टिकल गोल्स इंशाल्लाह बता रहा हूं। तीसरा जो गोल होना चाहिए हमारा, दैट इज टू हेल्दी डाइट, बिकॉज बीइंग फिजिकली फिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी हेल्दी डाइट होगी तो यू गाइज विल फील गुड, यू गाइज विल फील बेटर, बिकॉज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड के अ स्ट्रांग बिलीवर इज मोस्ट बिलव्ड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो यू नीड टू बी स्ट्रांग हेल्दी। What is healthy diet? इसमें भी एंटीडोट में मैंने एक पूरी एपिसोड की है कि what is a healthy diet, what kind of a diet we should be eating in times of fitna. You can also watch that episode. So in short, eat healthy. नाश्ता हेल्दी करें, लंच हेल्दी करें, अपनी रूटीन में फ्रूट्स लेकर आए, सीरियल्स लेकर आए, मिल्क लेकर आए, आजकल सर्दियां हैं, ड्राई फ्रूट्स लेकर आए, ओके ऐसी चीजें खाएं जिनसे आपसे आपकी बॉडी के टॉक्सिन जो है वो धुल जाए। ऐसी चीजें खाएं जो आपके आपके उन हॉर्मोन्स को ग्रो करें, जो हॉर्मोन्स आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेंगे ताकि आप बीमार ना रहें, ओके नींद अच्छी लें, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आए। हेल्दी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज भी आती है, दैट्स द थर्ड गोल। अडॉप्ट अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल एंड यू कैन डू इट, ओके यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। अल्लाह ताला ने आप में बहुत पोटेंशियल रखा है, ट्रस्ट मी, यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, you have to trust yourself, I am telling you. Please do not give yourself away to waswasas or to negative thinking or being demotivated. खड़े हो, फौरन से खड़े हो। नमाज, let me tell you, आज ही मैंने बात की स्टेटस में कि नमाज हमें क्या सिखाती है। नमाज के मैकेनिक्स चेक करें, नमाज हमें ये सिखा रही है कि जब तुम डिस्ट्रेस में हो, जब तुम डिफिकल्टीज में फेस कर रहे हो, गो डाउन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, प्रोस्ट्रेट टू ऑलमाइटी अल्लाह, सीक स्ट्रेंथ। सूरह अल-बकरा की आया है कि सबर और नमाज में ताकत पकड़ो, ताकत पकड़ो, बकायदा ताकत के अल्फाज है, स्ट्रेंथ पकड़ो, ताकत पकड़ो। तो मुसलमान की ताकत है ही सबर और नमाज, जैसे एक सुपर पावर, एक सुपर हीरो की सुपर पावर होती है, मुसलमान की सुपर पावर नमाज है। आप नमाज में जाएं, वहां से ताकत पकड़े, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बो डाउन करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को प्रोस्ट्रेट करें, लंबा करें, अपनी अकड़ छोड़ दें, करके देखें। एक बार हो सकता है आपको रेजिस्टेंस आए अंदर से, दो बार रेजिस्टेंस आए अगर आप नहीं पढ़ रहे, आहिस्ता आहिस्ता आपको लुत्फ आने लग जाएगा इंशाल्लाह, वो जो जंग है वो धुल जाएगा, एंड इट विल ऑल बिकम ब्यूटिफुल फॉर यू, एंड यू विल सी कि आपको स्ट्रेंथ मिल रही है। बिलीव मी, आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी, आप देखेंगे आपके एटीट्यूड में चेंज आ रही है, आपके बिहेवियर में चेंज आ रही है। सीक स्ट्रेंथ इन सलाह, व्हाट डज द सलाह टीचेस अस, प्रोस्ट्रेट टू ऑलमाइटी अल्लाह, बो डाउन टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड देन गेट अप। स्टैंड अप, चार रकत में हम चार बार खड़े होते हैं, तीन बार खड़े होते हैं, ओके एक बार पहली रकत में खड़े हुए, दूसरी बार खड़े हुए, तीसरी बार खड़े हुए, सो इट इज टीचिंग अस टू स्टैंड अप, नॉट टू गेट हॉल्टेड, जस्ट स्टैंड अप। So in face of difficulties, you always have to stand up. आपको खड़ा होना है, आपको मुकाबला करना है अपनी मुश्किलों का। अल्लाह ताला ने आपका स्क्रिप्ट लिखा है, अल्लाह ताला को पता है आपके लिए क्या बेहतर है। हर बंदे के लिए मुश्किलात हैं, टेस्ट हैं, ट्रायल्स हैं, बट यू हैव टू शो दैट यू आर कैपेबल ऑफ यू नो गोइंग थ्रू दीज टेस्ट एंड ट्रायल्स एंड दीज डिफिकल्टीज एंड कम आउट ऑफ देम लाइक अ सुपर हीरो। ये आपको साबित करना है इंशाल्लाह, आपको शैतान को, वसवसों को, डीमोटिवेशन को नहीं करना है, ओके दिस इज योर टास्क। यू हैव टू थिंक हेल्दी, हेल्दी लाइफस्टाइल में हेल्दी सोचना भी आता है, ओके यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो तीन गोल्स हो गए, लेट मी रिपीट, नंबर वन, यू हैव टू रिपेंट टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड यू हैव टू से टू अल्लाह दैट आई एम लॉयल टू यू। नंबर टू, यू हैव टू डिक्रीज योर स्क्रीन टाइम। नंबर थ्री, यू हैव टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल व्हिच इंक्लूड्स थिंकिंग हेल्दी, which includes healthy eating, which includes healthy lifestyle में exercise भी आता है। And the last goal which I will like to tell you and request you is to read some books. Please ilm हासिल करें, हर मसले का हल ilm है। आपके बहुत से सवाल होते हैं, I really appreciate, मैं YouTube पे भी check करता हूँ, inbox में भी check करता हूँ, हर मसले का हल ilm है। How did I come out of problems? हर बंदा अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करता है, इल्म की बेसिस में, इल्म, इल्म हर मसले का। अब कौन सा इल्म? प्लीज कुरान पढ़ें, कुरान समझें,
कुरान से वो सोच लें, वो फिक्र लें। जब कुरान के पास आप जाएंगे, कुरान आपको फिक्र देगा, कुरान आप में वो चिंगारी लगाएगा। उस चिंगारी को लगाएं, उस फिक्र को लें कुरान से, उस विजन को लें कुरान से। जब इंसान में एक शऊर बेदार होता है, वो फिक्र पैदा होती है, इंसान की फजूल हरकतें खुद ब खुद छूट जाती हैं, फ्रिवोलस एक्टिविटीज विच हैव नो पर्पस व्हाटसोएवर। सो प्लीज कुरान के पास जाएं, कुरान से वो इल्म हासिल करें, कुरान को समझें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लें। तफसीर नहीं पढ़ी जाती आपसे, बहुत लंबी है, कुरान की ट्रांसलेशन तो पढ़ें और हदीस का मुतालिया करें। फिक सीखें, फिकुल मामलात, फिकुल इबादात, कितना कुछ है हमारे नॉलेज में, हमारे कितना नॉलेज है, हर एक एक चीज का नॉलेज है। ये चीज ऐसे करनी है, ये चीज ऐसे करनी है। अपने अकीदों को हर बुराई से पाक करें, प्लीज इल्म हासिल करें। इल्म इज द सॉल्यूशन टू एवरीथिंग, ट्रस्ट मी। अगर आप इसी तरह जिंदगी गुजारेंगे कि आपको एक प्रॉब्लम होती है तो आप शॉर्टकट ढूंढते हैं, आप जो है वो किसी के पास जाते हैं, सवाल पूछते हैं, आपको एक मुख्तसर सा जवाब मिलता है, तसल्ली होती है, आप आ जाते हैं, उसके बाद दोबारा वो प्रॉब्लम अराइज होता है, आप किसी और के पास जाते हैं। तो ये लूप होल में मत रहे, ये होता रहेगा। इसका बेहतरीन हल है इल्म हासिल कर ले, सारी जिंदगी सुख से गुजर जाएगी। मैं आपको वो चाइनीज प्रोवर्ब की एग्जाम्पल देता हूँ कि फीड अ मैन फिश यू फीड दैट मैन, एंड टीच अ मैन हाउ टू फिश यू फीड जनरेशंस। बिल्कुल इसी तरह मैं या कोई और आपको सवालों के जवाब दे देगा, आपकी तसल्ली हो जाएगी कुछ देर के लिए, उसके बाद एक और नया मसला आएगा, आप क्या करेंगे, आप पैनिक होंगे, डिमोटिवेट होंगे, आपको समझ नहीं आ रही होगी क्या है। ऑल्दो इट्स ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट कि यू कैन यू नो गो टू समवन टू आस्क एनीथिंग, डेफिनेटली इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वही बात है, टीच अ मैन हाउ टू फिश। सो टीच योर सेल्फ, इल्म हासिल करें। और इल्म से मुराद यहाँ पे क्या है, मैं वाइंड अप करता हूँ, इल्म से मुराद है यहाँ पे कुरान का इल्म। प्लीज़ वो खजाना ले लें, वो ट्रेजर ले लें। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है, और मैंने ये ऑन पर्पस बताया कि मेरी अचीवमेंट है, ऑन पर्पस इसलिए बताया बिकॉज दिस इज एन अचीवमेंट कि सूरह अल बकरा और सूरह आले इमरान को इन डेप्थ गो थ्रू करना, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज ट्रूली एन अचीवमेंट एंड आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह, ये सिर्फ अल्लाह की वजह से। सो ये मैंने चार चीज़ें आपको बताई हैं, आई होप के इंशाल्लाह इन चार गोल्स को लेकर आप नए साल का आगाज करेंगे। बाकी मिनी गोल्स भी हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। और इल्म में जाहिर है कुछ और चीज़ें भी हैं, हिस्ट्री का नॉलेज है, साइकोलॉजी का नॉलेज है, इसमें सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से बुक्स हैं, और भी बड़ा कुछ है। बट प्लीज़ ग्रो योर सेल्फ, ये साल वो रेपिटेटिव साल नहीं होना चाहिए जब चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, और डीमोटिवेट ना हो, डिप्रेस ना हो, परेशान ना हो। आपकी जिंदगी का स्क्रिप्ट अल्लाह ने लिखा है, ट्रस्ट ऑलमाइटी अल्लाह, तवक्कल रखें, स्ट्रेंथ पकड़ें नमाज में, सबर में, आप पहाड़ बन जाएंगे, लोग आपके ताबी हो जाएंगे, अल्लाह से वफादार हो जाएं। और एट द एंड जिंदगी मुश्किल है, एक इम्तिहान है, लेकिन विद अल्लाह ऑन योर साइड जिंदगी आसान हो जाती है। और जाहिर है कि यहाँ पे चंद साल रहना है, 50 साल 60 साल 70 साल जो एवरेज चल रही है आजकल, तो हंसी खुशी में और खुशी में और गम के दिन आते रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, तो सब्र से इंसान गुजार ले ये ज़िंदगी। आगे इंसान के लिए खुशी ही खुशी है इंशाल्लाह जन्नत में, तो उम्मीद लगाएं अल्लाह से और मायूस कभी ना अल्लाह रब्बुल आलमीन से, और अपने अंदर एनर्जी रखें। आई होप दिस मैसेज हेल्प्स ऑल ऑफ यू, और ये चार चीज़ें इंशाल्लाह हम अपना गोल्स भी बनाएंगे और अप्लाई भी करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग, this is your brother Muhammad Ali signing out. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.